हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करूंगी हाउ टू गेट रिड ऑफ स्पिट एंड्स इन ऑल सीजन। मतलब कुछ भी सीजन हो, चाहे विंटर हो, समर हो, मॉनसून हो, स्प्रिंग हो, कुछ भी सीजन में आप आपकी स्पिट एंड से छुटकारा पा सकते हैं हमेशा के लिए, बस कुछ टिप्स फॉलो करके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट टिप है, आप हर 3 महीने के अंदर आपकी जो हेयर है उसे ट्रिम कीजिए। अगर आपकी स्प्लिट एंड्स आ गई है तो आप इमीडिएटली उसे ट्रिम कीजिए, क्योंकि जो हेयर ना स्प्लिट हो जाती है लाइक दिस, अगर आपकी हेयर ऑलरेडी स्प्लिट हो गई है तो वो दोबारा नहीं जुड़ेंगे। मतलब जो हेयर दो मुए हो गई है वो दोबारा तो नहीं जुड़ेंगे, तो उसे आपको कट करना होगा, नहीं तो वही हेयर आपकी स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा बढ़ा देगी। तो आपकी जो हेयर है उसे अच्छी तरह से ट्रिम कर लीजिए। आप चाहे तो घर में भी हेयर को ट्रिम कर सकते हैं या फिर आप पार्लर भी जा सकते हैं। वैसे तो घर में बहुत ही इजीली आप हेयर को ट्रिम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप घर में हेयर ट्रिमिंग करना चाहते हो तो आप आपकी फोरहेड पर ऐसे एक पोनीटेल बना लीजिए पीछे से सारी हेयर को लेकर। देन इस पोनीटेल को अगेन 3 सेक्शंस बनाइए और ईच सेक्शंस को आप रबर बैंड से सिक्योर कर लीजिए। अभी आप एक एक सेक्शंस के नीचे हेयर को ऐसे पकड़ के हेयर को थोड़ी सी ट्रिम कर सकते हैं और उसके बाद ऐसे पॉइंट कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से आप घर में बहुत ही आसानी से आपकी हेयर को ट्रिम कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा करने से कंफर्ट नहीं आती है या फिर आपको डर लगती है तो आप पार्लर जाके भी हेयर ट्रिमिंग कर सकते हैं। हेयर को ट्रिम करने के बाद आपको कुछ टिप्स मैं बता रही हूँ, इसे फॉलो करना है। जैसे कि एक है ऑलिव ऑयल से हेयर को मसाज करना। मसाज मीन हेयर पर अप्लाई करना, स्पेशली स्प्लिट एंड्स पर। आपको ऑलिव ऑयल लेना है, आप एक्स्ट्रा वर्जिन कोई भी ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। उसे आपके हाथ पर ऐसे लेना है पहले एंड उसे दोनों हाथ से ऐसे अच्छी तरह से रब करना है। ऐसे रब करने से ये जो ऑयल है थोड़ी सी वॉर्म हो जाएगी। ये थोड़ी सी वॉर्म हो गई है, अभी आपकी स्प्लिट एंड्स जो है उसे अच्छी तरह से इसे अप्लाई करना है ऐसे। आप चाहे तो पूरी हेयर पर भी ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, पर मैं स्प्लिट एंड्स पर यूज कर रही हूँ इसे। इसे अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर तक इसे ऐसे रब कीजिए। ऐसा आपको हफ्ते में 3 से 4 बार करना है, या फिर आप शैम्पू के 1 घंटे पहले ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप रात को सोने से पहले भी ये प्रोसीड्यूर फॉलो कर सकते हैं एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आप हेयर पर शैम्पू यूज कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए आप कोई माइल्ड हर्बल शैम्पू यूज करें। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टिप है स्प्लिट एंड्स के लिए कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजिंग मास्क यूज करना। स्प्लिट एंड्स जो होती है ना मेनली ड्राइनेस की वजह से होती है और ये दिखाई देती है मेनली विंटर में। तो आपको कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजिंग मास्क हेयर पर अप्लाई करना है। आप चाहे तो सिर्फ स्प्लिट एंड्स पर अप्लाई कर सकते हैं या फिर पूरी हेयर पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इन दिस मैटर मेरी फेवरेट जो मास्क है मैं वो आपको बता रही हूँ, जैसे कि बनाना एंड हनी मास्क। बनाना जो होती है ये बहुत ही मॉइस्चराइजिंग होती है एंड हनी भी एक मॉइस्चराइजिंग एजेंट है। तो ये दोनों को आप मिक्स करके मिक्सी में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, ताकि बनाना की जो बनाना जो है ना इसकी फाइन पेस्ट बन जाए। अगर इसकी फाइन पेस्ट नहीं बनेगी तो ये आपकी हेयर पर फंस जाएगी, देन वॉश करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो इन दोनों को अच्छी तरह से पेस्ट कर लेना है, देन आप चाहे तो पूरी हेयर पर अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपकी सिर्फ स्प्लिट एंड्स पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद इसे आधा घंटे तक ऐसे छोड़ दीजिए, देन हेयर को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए और चाहे तो आप कोई भी माइल्ड हर्बल शैम्पू से हेयर को वॉश कर सकते हैं। अगर आप ये मास्क अप्लाई करते हैं तो महीने में आपको इसे कम से कम 5 से 6 बार यूज करना है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है यूजिंग एग योल्क। आपको एक से एग योल्क को सेपरेट करना है, देन उसे अच्छी तरह से फैट लेना है, देन उसे आपकी स्प्लिट एंड्स पर अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है। आई नो ये थोड़ी सी स्मेली होगी, बट बिलीव मी फ्रेंड्स, ये वर्क बहुत ही अच्छा करती है। ये आपकी स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम को दूर कर देगी, आपकी जो हेयर की ड्राइनेस है इसे भी दूर कर देगी। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं मैं बोलूँगी आप इसे मत यूज़ कीजिए, बट अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं या फिर वेजिटेरियन हैं तो आप इसे ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हैं। इसे आप हफ्ते में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। इसे यूज़ करने के बाद इसे 20 से 15 मिनट छोड़ देना है, देन आप आपकी हेयर को शैम्पू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हो गई कुछ मास्क। इनमें से कोई भी टिप आप फॉलो कर सकते हैं, कोई भी मास्क आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी आप सारी टिप्स फॉलो करें, इनमें से कोई भी मास्क आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज़ करके आपकी हेयर पर अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आप इसे रेगुलरली एक मंथ तक फॉलो करते हो ना, तो आपकी स्प्लिटेंस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और अगर स्प्लिटेंस की प्रॉब्लम आपको सारी ईयर तक रहती है, पूरी साल तक आपकी स्प्लिटेंस की प्रॉब्लम रहती है, तो मैं कहूँगी पहले मंथ आप इसे रेगुलरली फॉलो कीजिए, फिर नेक्स्ट मंथ से आप इसकी यूज़ थोड़ी कम कर दीजिए, तो आपकी स्प्लिटेंस की प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगी। और भी कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि स्प्लिटेंस की प्रॉब्लम आती है ड्राइनेस से, तो आप ऑलवेज गुनगुना या फिर कूल वाटर का इस्तेमाल कीजिए हेयर को वॉश करने के लिए। कभी भी हॉट वाटर का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि हॉट वाटर जो होती है हमारे स्कैल्प को ड्राई कर देती है, साथ ही साथ हमारे हेयर को भी ड्राई कर देती है। तो आप कभी भी हेयर वॉश करने के लिए हॉट वाटर का इस्तेमाल मत कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा कूल वाटर का इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट एंड लास्ट टिप है, आप जब भी हेयर स्टाइलिंग करें तो आप हीट अप्लाई करने वाला कोई भी हेयर टूल का इस्तेमाल मत कीजिए, जैसे कि हेयर स्ट्रेटनर, हेयर ड्रायर या फिर हेयर कर्लर, जो टूल्स होती है, मशीन्स होती है, जिससे हमारी हेयर पर काफ़ी हीट आती है। तो उस तरह की कोई भी हेयर स्टाइलिंग टूल बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिए अगर आपके स्प्लिटेंस की प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी कुछ टिप्स स्प्लिटेंस को दूर करने के लिए। अगर ये टिप्स आप रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपकी स्प्लिटेंस की प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा आगे से और वैसे वीडियोज़ के लिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, बाय बाय।